आज का हमारा विजिट होगा DHA 5 सांबा सेक्टर के अंदर। सेक्टर के को विजिट करेंगे और बात करेंगे प्राइस की और लाइव विजिट भी करेंगे गलियां स्ट्रीट्स का जो हम करते हैं शुरू से अपने ओवरसीज क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली दो तीन चीजें और भी हैं जिसके ऊपर बेसिकली बात करनी है। सबसे अहम बात क्या है कि आजकल सब लोग जिसको भी पूछ रहे हैं भाई किस सेक्टर में कौन से फेस में इन्वेस्ट करें तो वो आपको आगे से यही बताएगा कि DHA 5। ठीक है, DHA 5 का तो सबको आजकल इलम हो चुका है कि उसकी वजह भी है कि DHA 5 के इंटरचेंज रामबाग इंटरचेंज हाईवे के ऊपर जो इंटरचेंज बांधी थी फेसबुक को कनेक्ट करने वाली वो ओपन हो चुकी है। और उसकी रीजन है कि DHA 2 के अंदर तो अभी कोई प्लॉट रिजनेबल आ नहीं है और सारे हम स्टोर हो चुका सेक्टर बाद हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो आज आके जो चीज़ बची है वो DHA 5 है। DHA 5 के अंदर भी अब सबसे जो मेन इशू यही है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो सबसे ज्यादा लोग ए और बी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक चीजें बताऊंगा क्योंकि हम सेक्टर के अंदर इंटर हो चुके हैं और सेक्टर के की जो गलियां हैं स्ट्रीट्स हैं उसका आज विजिट करेंगे। सबसे पहले हम इंटर हो रहे हैं स्ट्रीट नंबर 13 में। तो स्ट्रीट नंबर 15 में, सॉरी स्ट्रीट नंबर 15 से आगे बाकी स्ट्रीट्स हैं उनका भी विजिट करेंगे। तो जो चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे हम DHA 5 के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें जो मेन गेट से इंटर होते हैं सेक्टर के और सेक्टर ए आता है और फिर सेक्टर बी आता है। तो ज्यादातर लोग वो सेक्टर ए और बी से आगे बढ़ते नहीं है और आगे जो बाकी सेक्टर हैं सी हो गया के ब्लॉक हो गया और एच और एच तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं एच और जी, लेकिन जो इस साइड पे हैं वो ए और बी सी और के ब्लॉक हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी से आगे आते ही नहीं है। उसकी रीजन भी ये है कि अभी रास्ता ऐसा है कि बी से आगे हम आ नहीं सकते, जोहर बुलेवार्ड भी सारी खराब हो चुकी है और बेसिकली जो रास्ता था रिवर वाला वो भी सारा खराब हो चुका है। तो हमारी अप्रोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी तक ही रहती है। ए और बी में अच्छे प्लॉट अभी मुनासिब कीमत से मिल नहीं रहे, जो है अच्छे प्लॉट उनकी प्राइस हाई है, बजट आउट हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि आने वाले दिनों में सेक्टर के ए से भी अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह एक तो ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी है सेक्टर के की, ठीक है, और नंबर टू लोकेशन बहुत आला है। ए ब्लॉक से भी ज्यादा अच्छी लोकेशन है, इसकी हाइट लोकेशन है के ब्लॉक ओवरसीज की। दूसरी जो मेन चीज है, जैसे हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा नजदीक जो है ए ब्लॉक, जैसे हम इंटर होते हैं 2 मिनट में अपने घर चले जाए, इसी तरह के ब्लॉक सर के ब्लॉक के अंदर इस वक्त रिवर रोड जो है वो खराब हुई हुई उसको बना रहे हैं। और दूसरी जो अहम चीज वो है ये है कि डायरेक्ट एक्सेस होगा हाईवे इस्लामाबाद से के ब्लॉक को, क्योंकि के ब्लॉक की जो दूसरी बुकिंग आने वाली है और दूसरी साइड से जो रोड बन रही है ए ब्लॉक के सामने एक ब्रिज बन रहा है जो इस्लामाबाद हाईवे से हम उतरेंगे और उस ब्रिज से डायरेक्टली के ब्लॉक के साथ जो रिवर वाली रोड है डायरेक्ट एक्सेस करेगी। तो आने वाले दिनों में देखेंगे जब वो रोड ओपन होगी तो आप डेफिनेटली 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद हाईवे से के ब्लॉक में आ जाएंगे। इतनी जल्दी जैसे आप ए ब्लॉक में इंटर होते हैं सेम इसी तरह आप इंटर होंगे के ब्लॉक के अंदर। तो इस वक्त के ब्लॉक की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्राइसेस भी बहुत मुनासिब है। तो के ब्लॉक जो है इस वक्त जिस तरह DHA 5 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सब के ब्लॉक की तरफ मूव करें। के ब्लॉक एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है, प्राइसेस भी रिजनेबल है प्लॉट की, यहाँ पे अभी इतने ज्यादा घर नहीं बने, प्लॉट भी आपको अच्छी लोकेशन का मिल जाता है आपके जैसे आपको सूट करता है कॉर्नर पार्क पेस यहाँ हाइट का, क्योंकि अभी प्लॉट यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है मिल जाती है। तो इस लिहाज से अच्छे प्लॉटों के ब्लॉक इस बेस्ट ऑप्शन इस वक्त इन्वेस्ट करने या घर बनाना चाहते हैं आप तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अभी आप के ब्लॉक की जैसे इंटरेस्ट ओपन होगी डायरेक्ट एक्सेस होगा, जैसे वो ब्रिज और वो रोड बन जाएगी रिवर वाली इंशाल्लाह इसकी प्राइस बहुत हाई होने वाली, बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करें और अपना